This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक में हम लोग जीएसटी के बारे में सीखेंगे कि जीएसटी कब आया और किस तरीके से एप्लीकेबल किया गया इंडिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए अपना टॉपिक। सबसे पहले जीएसटी के बारे में जानते हैं। जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका मतलब होता है वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? अब आज के बाद आप दोनों ये डिफरेंस नहीं करेंगे सर गुड्स पे टैक्स लगेगा सर्विस, दोनों पे ही टैक्स लगेगा, चाहे वो आपकी गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। तो इसके साथ साथ आज जो इंट्रोडक्शन सेशन है इसके अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं जीएसटी 1 जुलाई 2017 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। जब लॉन्च कोई चीज जिस ईयर में होती है उसको एक्ट के नाम दे दिया, मतलब कानून बना दिया जाता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इसको बोला जाता है। नीचे हम चलते हैं आगे। अब इंडिया के टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट। जैसे कि आप डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ले सकते हैं कि इनकम टैक्स किसी भी बंदे की इनकम पर लगता है, अगर वो ज्यादा कमाए तो ज्यादा टैक्स लगता है, अगर वो कम कमाए तो कम लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, वो अपना बर्डन दूसरों पे शिफ्ट कर देता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। जस्ट लाइक मैं किसी शोरूम गया और वहां से एक मोबाइल परचेज कर, मोबाइल की वैल्यू 7,000 रुपीज की थी और मैंने उसको 5,000 रुपीज टैक्स के दिए, मतलब 7,500 उसको मैंने पे कर, तो मेरा 500 रुपए जो मेरा बर्डन था मैंने उस दुकानदार पे दे दिया कि सर मैं तो टैक्स नहीं भर पाऊंगा, आप मेरे बिहाफ से गवर्नमेंट को सबमिट कर दीजिए, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। सर डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? सर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आता है। सर कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब आउट ऑफ इंडिया से कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लाया जाता है और उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कस्टम ड्यूटी की जाती है। तो हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। उसे लाके टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि ताकि इंडिया के प्रोडक्ट की वैल्यू और बाहर के प्रोडक्ट की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, जिससे इंडिया की प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में कम ना हो, इसलिए लोग उस पर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं। तो हमने ये सीखा कि टैक्सेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एक दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी आता है। चलिए आगे चलते हैं। टैक्सेशन के बाद सीखने के बाद ये हमने अभी कवर कर लिया। अब जीएसटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक ही टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है सप्लाई। सर सप्लाई, सप्लाई मींस गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई। अब जीएसटी में हम सेल परचेज नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट सप्लाई बोलेंगे। व्हाट सप्लाई? सर गुड्स की सप्लाई या तो सर्विस की सप्लाई। सर आप हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा रहे हैं बट आपने हमें गुड्स नहीं बताया कि गुड्स किसको कहते हैं, सर्विस नहीं बताया किसको सर्विस बोलते हैं। गुड्स सिंपल से लैंग्वेज समझो, जिसके अंदर मटेरियल लग जाता है वो आपका गुड्स बन जाता है। क्या लग जाता है? जिसके अंदर मटेरियल लगता है वो गुड्स है और जिसके अंदर मटेरियल नहीं लगता वो आपकी सर्विस है। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा है जो मार्केट में गया और जिसके अंदर गुड्स ना लगे हो या मटेरियल ना लगा वो एक आपका गुड्स बन जाए? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें मटेरियल लगे बिना वो प्रोडक्ट रेडी हो जाए। बट सर्विस के अंदर गुड्स नहीं लगता, बाकी सब कुछ लगता है। लेबर, मेरे यहाँ दो लड़के काम करते हैं वो मेरी लेबर है। अदर हैंड मैं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो मेरे अदर हैंड एक्सपेंस है और उसके बाद मेरा प्रॉफिट। सर्विस में प्रॉफिट एवरेज ज्यादा होती है, गुड्स में प्रॉफिट एवरेज कम होती है। क्यों? क्योंकि गुड्स में मटेरियल भी इंक्लूड होता है, बस सर्विस में मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे सर गुड्स क्या है, गुड्स सिंपल लैंग्वेज में सर वो चीज जिसके अंदर मटेरियल लगता है वो गुड्स है और जिसके अंदर मटेरियल नहीं लगता वो सर्विस। अब जो जीएसटी है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। क्या है आपका? डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जिस लोकेशन पे जाएगा वही टैक्स को बियर करेगा। जैसे माल एक्स से वाई प्लेस पे जाता तो एक्स टैक्स बियर करता और वाई से जेड प्लेस पे जाता तो जेड टैक्स बियर करता और जेड से डी प्लेस पे जाता तो डी टैक्स को बियर करता। मतलब जिस लोकेशन पे जाएगा या जहां इसको यूज किया जाएगा वो ही आखिर में टैक्स को बियर करेगा।
चल सकते हैं नेक्स्ट। अब सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सर इससे पहले तो बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, जैसे आपका वैट, जैसे आपका एक्साइज, जैसे आपका सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस चलते थे। और सर एक प्रॉब्लम तो ये भी थी कि गवर्नमेंट के साथ थोड़ी चीज माथा पेची होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती थी गुड्स के तीन तरह के गुड्स के टैक्स लगता था, एक तो एक्साइज ड्यूटी पे, दूसरा सेल टैक्स पे, और अगर आप कोई दूसरे स्टेट में कोई माल बेचते थे उस पर आपका सीएसटी लगता था, मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। तो गुड्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, सेल का पैसा मतलब सेल टैक्स जो भी लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, एक्साइज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी और सीएसटी का गवर्नमेंट पैसा लगती थी। लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं जीएसटी का मतलब होता है वन टैक्स वन नेशन, मतलब एक टैक्स हर जगह वो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कुछ भी हो, सभी में एक टैक्स लगता है। अब प्रॉब्लम ये भी आनी थी, लाजमी थी कि गवर्नमेंट इनके बीच में आर्गुमेंट चलने लगे। गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट सर मैं अपनी इनकम आपको क्यों दू, और सेंट्रल बोलता है सर मैं आपको अपनी इनकम क्यों दू। तो इसीलिए जीएसटी 2002 में आने के बाद भी एप्लीकेबल नहीं हुआ था। क्या हुआ था? एप्लीकेबल नहीं हुआ था। तो उस केस के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का होता है तो उसका 90% पैसा स्टेट गवर्नमेंट रखेगा और 10% सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई बंदा या गवर्नमेंट 1 रुपया कमाती है तो उसमें 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और 10% सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, अगर उस पर्सन का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे का होता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्रॉफिट रेशियो को शेयर करा, अगर जिसका टर्नओवर 1.5 से ज्यादा का होगा तो उसका 50% कौन रखेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट, और 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पैसे को रखेगा। उसके बाद जीएसटी में चार तरह के टैक्सेस हैं, वैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर सी कब लगता है, एस कब लगता है, आई कब लगता है, समझाता हूँ। जब भी आप लोकल ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर जिसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हम बोलते हैं, उस समय आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। जितना भी टैक्स रेट होगा उसका 50-50%, जितना भी टैक्स रेट होगा उसका 50-50% चार्ज किया जाएगा। जैसे सपोज करो इंडिया में जो जीएसटी में टैक्स रेट है ना, टैक्स रेट वो बेसिकली 0, 3, 5, 12, 18 और 28%। अगर किसी ने टैक्स 12% लगाया है तो 6% 6% इसका, 6% इसका, मतलब 6-6% चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? जीएसटी में टैक्स रेट 6 तरह के। अगर आप कोई अदर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, अदर स्टेट कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसे हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, उस समय आपका आईजीएसटी लगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेगी इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेगी, जबकि दिल्ली से बाहर कोई भी चार्जेस होगा तो उस केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा चार्ज करेगी पूरा का पूरा। जितना भी टैक्स रेट होगा वो पूरा यहाँ चार्ज है, अगर 50% तो 50 और 12 है तो 12। चलिए एक दो एग्जांपल जरिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ, मैंने यूपी माल को सेल आउट करा है। कहाँ माल सेल करा है? यूपी सेल करा है। अब सर मैंने यूपी जो माल सेल करा है, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ यूपी में? सर मैं यूपी के अंदर या तो मैं सर किसी को गुड्स बेचूंगा, सप्लाई ऑन सर्विसेज करूंगा, या फिर मैं किसी को सप्लाई ऑफ सर्विसेज भेजूंगा, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये दो चीजें मैं कर सकता हूं यहां से।
अब बस सपोज करो मैंने किसी को गुड्स बेचा तब भी ट्रीटमेंट वही होना है, और मैंने किसी को सर्विस बेचा तब भी मेरा ट्रीटमेंट वही होना है। अब आइए मैं यहाँ गुड्स ले लेता हूँ, यहाँ मैंने सर्विस कर दी और यहाँ मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है, हो गया आपको यहाँ पर। अब अगर यूपी से बाहर माल जाएगा तो अदर स्टेट हो गया, तो इस समय आपका आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी चार्ज अगर टैक्स रेट 12% है तो सर पूरा का पूरा 12% ही चार्ज किया जाएगा। कितना परसेंट? अगर टैक्स रेट 18% है तो टैक्स 18% चार्ज किया जाएगा। अगर टैक्स रेट 20% है 20 चार्ज। अगर यूपी से माल दिल्ली जाता, मतलब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होती, तो उस केस के अंदर आपका जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता। टैक्स रेट अगर 12% होता तो उसका हाफ मतलब 50, यहाँ 12 तो वहां 6, कितना? यहाँ 18 तो वहां 9, यहाँ 28 तो वहां 14, मतलब जितना भी टैक्स रेट होगा उसका हाफ हाफ लग जाएगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी, जब भी लोकल ट्रांजेक्शन होगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा, और अदर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो आईजीएसटी होगा। अब सर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, सर ऐसे तो और भी है जो जो यूनियन टेरिटरी वाले हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश वाले, वो तो इस क्वेश्चन पे आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर हम तो स्टेट नहीं है, हमारे ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उनको भी जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया, उन्होंने बोला अगर तुम स्टेट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय आपका यूटी जीएसटी चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा आपका? यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी बोले तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझते हैं सर यूनियन टेरिटरी क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं 29 इंडिया के अंदर स्टेट हैं और 27 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें दिल्ली, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप, ये 7 टेरिटरी हैं जिनको स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। अगर कोई बंदा चंडीगढ़ का बिजनेसमैन चंडीगढ़ में ही टैक्स माल सेल करेगा तो उसका सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी नहीं लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। अगर कोई दादर एंड नागर हवेली का कोई भी बंदा उसी स्टेट में ट्रांजेक्शन करता है तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी चार्ज होगा। अगर कोई बंदा दमन एंड दीव का दमन एंड दीव में ही सेल करता है तो सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कोई लक्षद्वीप का बंदा चंडीगढ़ माल बेचेगा तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्या किया चार्ज करेगा सर? क्यों? ये तो यूनियन टेरिटरी। सर यूनियन टेरिटरी होने से कोई मतलब नहीं, अगर एक बॉर्डर की सीमा चेंज हो गई तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। यूटी जीएसटी तो तब लगेगा जब लक्षद्वीप की पार्टी लक्षद्वीप में ही माल बेचेगी, दमन दू की पार्टी दमन दू में ही माल बेचेगी, दादर नागर हवेली की पार्टी वही माल बेचेगी, तब आपका चार्ज होगा यूटी जीएसटी। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस केस में आपका ये चार्ज नहीं होगा। इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया यूटी जीएसटी किसको बोलते हैं? यूटी जीएसटी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। दिल्ली एंड पांडुचेरी इज आल्सो यूनियन टेरिटरी, बट इन जीएसटी लॉ इन दोनों को स्टेट माना गया है, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी उस स्टेट को बोलते हैं या उस राज्य को बोलते हैं जिसके पास अपना पार्लियामेंट ना हो, अपनी हाई कोर्ट ना हो, या अपने डिसीजन लेने के पास राइट वे ना हो या राइट जगह ना हो, तो उसे हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। बट दिल्ली एंड पांडुचेरी बोथ हैव ए पार्लियामेंट, हैव ए हाई कोर्ट, हैव ए सुप्रीम कोर्ट, हर चीजें उनके पास, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है? तो हमने दिल्ली और पांडुचेरी को स्टेट माना है जीएसटी के अंदर। क्या माना है? जीएसटी के अंदर हमने इनको स्टेट माना है। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। देन अब आगे चलते हैं। तो हमने सीख लिया, अब बस एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स रखना है कि दिल्ली और पांडुचेरी अब एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो अब बस 7 स्टेट, 5 स्टेट एक ऐसे हैं जहां पर अगर आप सेम स्टेट में ही ट्रांजेक्शन कर दो, लक्षद्वीप लक्षद्वीप में माल बेचता है, दमन एंड दू में माल बेचता है, दादर नागर हवेली सेम स्टेट में, चंडीगढ़ सेम स्टेट में, अंडमान निकोबार आइसलैंड सेम स्टेट में माल बेचेगा, तब आपका यूजीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। स्टेट मत लगा देना वहां पर आप लोग,
बस इतना आप लोगों को याद रखना है। तो आज हमने इस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर यही सीखा जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, जीएसटी के अंदर कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी लिमिटेशंस के बारे में सीखेंगे। अगर हम 20 लाख से ऊपर जाते हैं तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, कौन कौन पर्सन है जिनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।